नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप क्विक ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हैं। क्विक ट्रांसफ़र हम तब करते हैं तब हमें बेनिफिशियरी ऐड करे बिना कोई भी ट्रांसफ़र करना होता है। आइए हम लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हमको क्विक ट्रांसफ़र करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने योनो ऐप ओपन हो रखी है। आपको कोने में एक क्विक ट्रांसफ़र एंड डोनेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन चार ऑप्शन आएंगे, तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज़ किया अकाउंट डिटेल्स, तो मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट्स की यानी कि जिस अकाउंट को मैं डेबिट करना चाहता हूँ उसकी डिटेल्स और जिस अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उसकी डिटेल फीड कर देनी है। उसके बाद मुझे सबमिट की बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर ही चाहिए होगा और आप यहाँ 25,000 रुपये तक का ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। अब जब आप सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम कंफर्मेशन मांगेगा कि आप अपनी डिटेल्स एक बार फिर व्यू कर लें। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्मेशन की बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप कंफर्मेशन की बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम एक OTP कंफर्मेशन मैसेज आपके मोबाइल पर भेजेगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये देखिए, ये OTP आ गया। आप जैसे ही OTP एंटर कर देंगे और सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके अकाउंट से इतना फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। यानी कि बहुत ही इजी और कन्वीनियंट वे है ये। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।